डियर फ्रेंड्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12th के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं। क्लास 12th का फिजिक्स, तो हम लोग फिजिक्स में जो पढ़ रहे थे वो प्रत्यावर्ती धारा को पढ़ रहे थे, और प्रत्यावर्ती धारा में हम लोगों ने प्रत्यावर्ती धारा का तत्कालिक मान क्या होता है, शिखर मान क्या होता है, इस टॉपिक पे हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी पिछले क्लास में किया था। चलिए आइए उसके आगे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, प्रत्यावर्ती धारा के तीन तरह के मान होते हैं। एक होता है तत्कालिक मान, शिखर मान, उसको हम लोगों ने पढ़ा। एक होता है प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, जो आज हम लोग पढ़ेंगे, और प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो ये तीन तरह के मान होते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, औसत मान। तो टॉपिक्स लिया जाए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, तो सबसे पहले इसमें कुछ बात लिखते हैं, लिखा जाए कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है। तो सबसे पहला एरो देकर लिखेंगे, लिखा जाए यदि यदि प्रत्यावर्ती धारा के यदि प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान को 0.637 0.637 दिख रहा है, क्या लिखें, यदि प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान को 0.637 से गुना कर दिया जाए तो, से गुना कर दिया जाए तो कोमा इसे इसे प्रत्यावर्ती धारा का, इसे प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कहा जाता है, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कहा जाता है। अर्थात 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 करके नीचे लिखेगा, अर्थात अर्थात IAV इज इक्वल टू 0.637 I नॉट, जहां पे IAV को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, औसत मान, और I नॉट को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान, शिखर मान, ठीक है। तो आप इन चीजों को अच्छे से समझिए। अगर कोई बोल दिया कि आप प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान से क्या समझते हैं, या प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान किसे कहते हैं, तो आप सिंपल वे में आप बताइएगा कि प्रत्यावर्ती धारा के जो शिखर मान होता है ना आई नॉट, उसको अगर 0.637 से गुना कर दिया जाए तो औसत धारा, यानी प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान हमें प्राप्त होता है, जिसको IAV से सूचित किया जाता है। तो उसके नीचे इसी बात को लिखा जाए कि प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान को, लिखा जाए प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान को IAV से सूचित करते हैं, IAV, यहां AV, I ऐसे लिखेंगे और उसके नीचे छोटा AV, AV का मतलब होता है एवरेज, और एवरेज माने औसत, ठीक है, इसे IAV से सूचित करते हैं।
तो आपको तो पता चल गया कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, तो औसत मान का फॉर्मूला है 0.637 इंटू आई नॉट, आई नॉट माने शिखर मान प्रत्यावर्ती धारा का। तो अगर हमें कोई पूछेगा कि प्रत्यावर्ती का धारा का औसत मान क्या है, तो शिखर मान को 0.637 से मल्टीप्लाई कर देंगे शिखर मान को, तो हमें औसत मान प्राप्त हो जाता है। अब चलिए चलते हैं इन चीजों को प्रूफ करते हैं कि आखिर इतना क्यों होता है। तो प्रूफ करते हैं कि आखिर ऐसे क्यों होता है। तो अब यानी कि अगला जो टॉपिक्स है हम लोगों का, वो सबसे इम्पोर्टेंट कि प्रूफ कैसे होता है, यानी कि अब की बार में हम लोग यहां पे ये सीखने वाले हैं एरो में कि अगर आपको कहीं बोलेगा कि प्रूफ करो कितना बराबर कि आई एवरेज इज इक्वल टू 0.637 इंटू आई नॉट, तो इसका भी हम लोग प्रूफ देखने वाले हैं कि इसका प्रूफ कैसे होता है, आखिर औसत मान का जो वैल्यू है वो इतना कैसे आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनका प्रूफ। तो इन चीजों को प्रूफ करने के लिए आई एवरेज का मान जो इतना होता है 0.637 आई नोट, इसका वैल्यू को प्रूव करने के लिए हमें कुछ कंडीशन को अप्लाई करना होगा। हम लोग चूंकि जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि टी बराबर जीरो से लेकर टी बराबर टी बाई टू तक के बीच जो धारा का मान होता है वो कैसा होता है, तो धनात्मक होता है। ये हम लोग जानते हैं, हम लोग पिछले ही दिन पढ़े थे कि अगर टी का वैल्यू, यानी कि देखिए ये वाला छोटा टी क्या है, तो ये समय है, और जीरो से लेकर ये कैपिटल टी क्या है, तो आवर्त काल है, जो एक कुंडली को पूरा घूमने में जितना टोटल टाइम लगता है वो कैपिटल टी है। ठीक है, तो अगर टी का वैल्यू टी बाई टू तक होता है तो धारा या विद्युत वाहक बल का वैल्यू कैसा होता है, तो धनात्मक होता है। इसलिए जो हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो कहां से कहां तक यूज करने वाले हैं, बातों को समझिए, जीरो से लेकर टी बटा टू तक। क्यों? क्योंकि इतना ही के बीच धनात्मक धारा हमें प्राप्त होता है। तो यही कारण है कि याद रखना होगा कि हम लोगों को कहां से कहां तक लेना पड़ता है, जीरो से लेकर टी बाई टू तक। अब आई एवरेज यानी कि औसत धारा का मान निकालने के लिए जितना करंट होता है, औसत का मतलब क्या समझते हैं, पहले हम आपको औसत समझाते हैं कि आखिर औसत क्या होता है। तो औसत का मतलब ये होता है कि टोटल नंबर ऑफ मार्क्स और बटा में जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है। जैसे मान लिया पांच विद्यार्थी है, अब पांच विद्यार्थी जब एग्जाम में बैठे परीक्षा देने के लिए, तो एक का आया 360 मार्क्स 500 नंबर में, एक का आया 300, एक का 298, एक 400 और एक का 420। तो औसत मार्क्स निकालना है तो पांचों के नंबर को जोड़ेंगे और बट्टा पांच से डिवाइड कर देंगे। समझ रहे ना चीजों को, वैसे ही औसत निकलता है, यानी कि जितना कुल प्राप्तांक है उसको जोड़िए और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब कितने भी विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, उनका मार्क्स को ऊपर जोड़ा जाता है और विद्यार्थी की संख्या नीचे देखा जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे एवरेज निकालना होगा, तो टोटल करेंट यानी कि आई का वैल्यू, तो टोटल करंट का कहां से कहां तक, तो इसी चीज को दिखाने के लिए इंटीग्रेशन किया गया है जीरो से लेकर टी बाई टू तक, जीरो से लेकर टी बाई टू तक, क्योंकि यहां हम लोग यही लिमिट यूज किए हैं, और बट्टा में कितना टोटल टाइम लग रहा है, कितना टाइम में वो कितना करंट पास करेगा, तो यहां सिर्फ लिया गया है डीटी। जीरो से टी बाई टू हमेशा लिमिट जो लेंगे ना, जीरो से टी बाई टू ही लेंगे। क्यों? क्योंकि यहां के बीच पॉजिटिव धारा प्राप्त होती है, धनात्मक होती है। अब जरा बात करते हैं, ये तो लिमिट है, लिमिट यूज कर दिए, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। तो जीरो से लेकर टी बाई टू तक, और आई का फार्मूला क्या, डीटी छूट गया था, आई का फार्मूला होता है आई नोट साइन ओमेगा टी। कहां से? तो पिछले दिन वाला तत्कालिक मान और शिखर मान जब आप पढ़ रहे होंगे,
तो वहां से ए चीजों का फॉर्मूला आपको पता होगा कि तत्कालिक मान आई को आई बोलते हैं और शिखर मान को आई नोट बोलते हैं। तो जो तत्कालिक मान होता है उसका फॉर्मूला होता है आई नोट साइन ओमेगा टी, और ये तो डीटी है तो डीटी लगा दिया, और नीचे डीटी का जो इंटीग्रेशन होता है वो सिर्फ टी होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग डीएक्स के जगह पे क्या लिखते थे, सिर्फ एक्स लिखते थे, वैसे ही डीटी के जगह का फॉर्मूला टी हुआ, और लिमिट कहां से कहां तक, जीरो से लेकर टी बाई टू तक, इसीलिए यहां जीरो से लेकर टी बाई टू लिमिट रख दिए हैं। अब जरा बात करते हैं ऊपर में कांस्टेंट, जैसे कि डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट रहता है उसको हम लोग बाहर कर लेते हैं, तो यहां से आई नोट जो है कांस्टेंट है, इसको बाहर करेंगे तो ये बाहर हो गया। पहले इन चीजों को इधर से उतारना है, फिर इधर उतारना है, यानी पहले इधर 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 उतार लेना है, फिर हो जाएगा तब इधर उतारना है, ध्यान देकर। तो हम क्या बोल रहे हैं, आई नोट को अगर कॉमन लेंगे बाहर निकालेंगे तो यहां पे क्या बच रहा है, अगर तो जैसा कि जानते हैं कि डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो यहां आई नोट क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, तो बाहर निकल गया तो अंदर में क्या बच गया, तो जीरो से टी बाई टू और साइन ओमेगा टी डी टी, साइन ओमेगा टी डी टी। और नीचे पता है कि छोटा टी के जगह पे हम लोग सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो अपर लिमिट क्या है टी बाई टू, उसमें से माइनस करना है अब की बार टी के जगह पे जीरो रखकर, तो यहां पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दिया जीरो। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि ये टी बाई टू में से अगर जीरो घटाएंगे तो टी बाई टू ही बचेगा, और नीचे वाला टू कहां चला जाता है ऊपर, तो ऊपर हो गया टू आई नॉट और बटा में टी। उसके बाद एक चीज सीखिए कि जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन का फार्मूला पढ़ते हैं ना, वैसे ही इस इंटीग्रेशन का भी फार्मूला है कि साइन ओमेगा टी रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस ओमेगा टी, और टी के बगल में जो रहता है उससे डिवाइड कर दिया जाता है। ये कहां का रूल है, तो ये इंटीग्रेशन का रूल है, अभी आपको वेट करना पड़ेगा लगभग 12 दिन, गिन के बता रहे 12 दिन वेट कीजिए, फिर हम लोगों का इससे मुलाकात होगा कि आखिर ये क्या है, इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो सब चीज वेट कीजिए, सब चीज प्राप्त हो जाएगी, लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा 10-12 दिन का। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन होता है और ये फार्मूला होता है, तो सब चीज पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आप ये जानिए कि साइन ओमेगा टी, साइन का फार्मूला होता है कोस ओमेगा टी का ओमेगा टी लिख दिया, टी के जो बगल में होता है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो टी के बगल में क्या है यहाँ पे ओमेगा, तो ओमेगा से डिवाइड कर दिया, लिमिट कहां से कहां तक जीरो से टी बाई टू, तो जीरो से टी बाई टू कर दिया। ठीक है, जरा फिर आगे बढ़ते हैं, यहां से फिर देखते हैं कि आगे क्या मिलने वाला है, आप चीजों को देखते जाइए। इसके बाद हम इधर सॉल्व कर रहे हैं, चलिए यहां पे क्या है भाई, तो टू आई नॉट बटा में टी, और फिर ये ओमेगा को भी बाहर कर सकते हैं, तो ये ओमेगा बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा ओमेगा टी, ठीक है, कैपिटल टी ओमेगा टी, ठीक है। और अब अंदर में क्या बच जाएगा, तो अंदर में बच जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी का लिमिट जीरो से लेकर टी बाई टू तक, तो यहां कितना बन रहा है टू आई नॉट ओमेगा टी। अब उसके बाद जहां टी है ना, ये जो टी है इससे इसकी जगह पे अपर लिमिट पुट किया जाता है, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहां क्या बनेगा माइनस कॉस ओमेगा टी के जगह पे कितना, तो टी बाई टू, फिर से माइनस माइनस किया जाता है कितना, तो फिर से ये माइनस कॉस ओमेगा इंटू जीरो। देखिए ध्यान से देखिएगा, तो हम क्या बोले कि जो टी रहता है उसकी जगह पे अपर लिमिट पुट किया जाता है, तो अपर लिमिट क्या है टी बाई टू, तो इसके जगह पे हम लोग टी बाई टू को रख दिए। फिर फार्मूला में बोलता है कि अपर लिमिट रखने के बाद माइनस लगाना है, माइनस लगा दिया, फिर इसके ब्रैकेट के जो अंदर वैल्यू है उसको लिखिए,
कोस माइनस कोस ओमेगा टी, लेकिन अब की बार टी के जगह पे कितना रखा, जीरो। तो अब तो लिमिट पुट कर दिया, तो अब यहाँ पे लिमिट नहीं लिखा जाता है क्योंकि उसका वैल्यू रख दिए। तो टोटल मिला के आंसर क्या आ रहे अभी तक के, टू आई नॉट बटा ओमेगा टी यहां बन रहा है माइनस कॉस ओमेगा टी बाई टू माइनस माइनस प्लस, और कॉस ओमेगा को जीरो से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ओमेगा को जब जीरो से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जीरो बनेगा कॉस जीरो, और कॉस जीरो का वैल्यू पता है ना वन होता है। और यहां पे एक और आपको फार्मूला याद आना चाहिए, ओमेगा का फार्मूला होता है भाई टू पाई बटा में टी, एक फार्मूला यूज किया जाता है यहां पे। देखिए कुछ चीजें अगर प्रूफ करना हो ना, हम कई बार बोल चुके हैं कि कोई भी चीजें प्रूफ करना होता है आप उनको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस ही सबसे अच्छा उपाय है। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं रहेगा कोई चीजें याद नहीं रख पाएंगे, क्योंकि प्रूफ करने के लिए आपको कदम कदम पर कुछ ना कुछ करने की आवश्यकता होती है, तभी वो चीजें प्रूव हो पाती है। तो यहाँ ओमेगा के जगह पे हम लोग कितना रखे, टू पाई बटा में टी। तो अब हम लोग जब ओमेगा के जगह पे टू पाई बटा टी रख रहे हैं तब कैसा बन रहा है, तो फिर से हम ऊपर से मिटा रहे हैं। आप इन चीजों को अच्छे से नोट करके करते चलिएगा। तो अब यहां पे क्या बन रहा है जरा देखिएगा, टू आई नॉट ओमेगा टी ब्रैकेट माइनस कॉस, इस ओमेगा के जगह पे कितना, टू पाई बटा में टी रख दिया इनटू इनटू टी बाई टू, तो टी बाई टू प्लस प्लस कॉस जीरो का वैल्यू दोस्तों कितना होता है, कॉस जीरो का वैल्यू वन होता है, हमने वन रख दिया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, इन चीजों को मिटाते हैं। फॉर्मूला पुट करने के बाद आपको दिख रहा है ये कट रहा है, टू से टू कट रहा है। तो अब आप देख पा रहे होंगे यहां कि हमें कितना आ रहा है, माइनस कोस पाई आ रहा है। तो यहां पे वैल्यू टू आई नॉट ओमेगा टी इंटू माइनस कॉस पाई प्लस वन आ रहा है, कुछ इस तरीके का आ रहा है। अब क्या कर रहे हैं यहां पे, अब यहां पे करना क्या है, आपको याद आना चाहिए कि कॉस पाई का वैल्यू कितना। तो चूंकि आप पढ़े होंगे कि कॉस पाई का वैल्यू जो होता है, यानी कि कॉस 180 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो माइनस में वन होता है। आपको हम 11th क्लास के ट्रिगो वाले जो चैप्टर पढ़ रहे थे वहां पे हम आपको याद करवाए थे कि कॉस पाई का वैल्यू कितना, माइनस वन। तो यहां पे अब क्या बन गया, टू आई नॉट। अच्छा एक चीज और हम लोगों की गलती हो गई थी कि ओमेगा के जगह यहाँ पे ओमेगा लिखते आ रहे थे, इस ओमेगा के जगह पर रख दीजिए टू पाई बटा में टी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला होता है फिर इनटू में टी, हम लोग इसी के जगह सिर्फ रखे थे, यहाँ पे ओमेगा छूट गया था तो अभी रख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ माइनस तो ऑलरेडी पहले से है, और कोस पाई का वैल्यू सिर्फ कितना होता है, माइनस वन, और ये हो जाएगा प्लस वन। तो कुल मिलाकर अब कैसे कैसे बच रहा है जरा देखिए, तो ये टी से तो टी कट रहा है, टू से टू कट रहा है, तो बाहर क्या बच रहा है, आई नोट बटा पाई बच रहा है ना, सिर्फ आई नोट बटा पाई, और माइनस माइनस प्लस वन और ये वन, तो टोटल मिलकर कितना हो गया, टू है ना। अब यहां पे बच रहा है आई नोट बटा, इस पाई को लिख सकते हैं बाईस बटा में सात इंटू में टू। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि नीचे वाला सेवन ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा, तो आई नॉट इंटू सात जब ऊपर जाएगा तो सेवन टू जा फोर्टीन, और नीचे कितना बचेगा बाईस। तो अगर हम लोग चौदह में बाईस से भाग देकर आई नॉट करें, तो चौदह में अगर बाईस से भाग देंगे तो आ जाएगा 0.637 इंटू आई नोट। प्यारे साथियों यही हम लोगों का प्रूफ होता है कि जो आई एवरेज का वैल्यू आ रहा था, क्योंकि ये सब किसका वैल्यू आ रहा था, आई एवरेज औसत,
याद रख लीजिएगा 0.637 इंटू आई नोट होता है। आप चाहेंगे तो इसको आप भाग करके देख लीजिए, समथिंग इतना ही आएगा। तो इसलिए ये प्रूफ हो गया कि अगर कोई पूछेगा कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, तो प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होता है शिखर मान में यानी कि आई नोट में आप 0.637 से गुना कर दीजिए, और जो गुना करने के बाद आएगा वो कहलाएगा प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। ठीक है, तो अगर हमें औसत मान हो सकता है औसत मान पूछ रहा होगा तो हम शिखर मान में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एक क्वेश्चन लिखा जाए, बोल रहे हैं आप लिखिए, लिखा जाए किसी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में किसी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में तत्कालिक धारा का मान एवं शिखर धारा का मान क्रमशः तत्कालिक धारा का मान एवं शिखर मान क्रमशः 1.5 एम्पियर तथा 1.5 एम्पियर तथा 2 एम्पियर दिया हुआ है, तो इस जनित्र में प्रवाहित होने वाला प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान ज्ञात करें देखिए तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, जरा इनको अच्छे से देखिएगा इस क्वेश्चन को, कि एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है, जनित्र का मतलब होता है जनरेटर, और उस जनित्र से कुल मिलाकर बात ये बोला जा रहा है कि उस जनित्र से जो करंट पास आउट हो रहा है उसका दो तरह का मान दिया है। तो आप इस क्वेश्चन को जैसे ही सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे, आप लिखिएगा कि दिया है भाई क्या क्या दिया है, तो उसमें जो धारा प्रवाहित हो रहा है उसका दोनों मान दिया है, एक तत्कालिक मान और एक शिखर मान। ठीक है, यानी कि उसमें तत्कालिक मान को तो हम लोग आई से दिखाते हैं, जिसका वैल्यू 1.5 एम्पियर दिया हुआ है, और शिखर मान का भी दिया है आई नोट कितना, तो 2 एम्पियर। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि उस जनित्र में उस जनरेटर में प्रवाहित होने वाला प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान निकालिए। तो चूंकि आई एवरेज हमें क्या करना है, निकालना है, आई एवरेज का वैल्यू निकालना है, तो आई एवरेज का हम लोग अभी फार्मूला पढ़े, प्रूफ भी किए कि आई एवरेज का फार्मूला कितना होता है, 0.637 इंटू आई नॉट, यानी कि जो शिखर वैल्यू है, शिखर मान होता है प्रत्यावर्ती धारा का, उसे आप क्या कर दीजिए,
गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 0.637 को आई नोट का वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि यहां तो दोनों वैल्यू दिया था, लेकिन हम लोगों के लिए ये तत्कालिक मान का कोई इस्तेमाल नहीं है, तत्कालिक मान से कोई लेना देना नहीं है। तो यहां से आई नोट का वैल्यू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.274 एम्पियर। ठीक है, तो इतना हम लोगों का ये आंसर आएगा। तो कुल मिलाकर ये बहुत चीजें सिंपल है, तो इन चीजों को आप जरूर से जरूर ट्राई कीजिए प्रूफ करने का, और साथ साथ याद भी रखिएगा कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान निकालते कैसे हैं, प्रूफ कैसे करते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लिखा जाए, क्वेश्चन किसी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के कुंडली, किसी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के कुंडली, फिर से क्वेश्चन लगेगा, यदि किसी, यदि नहीं भी लिखेगा तो कोई बात नहीं, किसी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के कुंडली की आवृत्ति कुंडली की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज है, यदि किसी समय, एक बटा 300 सेकेंड पर, 1/300 सेकेंड पर धारा का तत्कालिक मान 4.330 एम्पियर हो तो 4.330 एम्पियर हो तो इस जनित्र में प्रवाहित होने वाली प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान ज्ञात कीजिए। चलिए, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करने के लिए एक न्यूमेरिकल्स है, और आप इन चीजों को अच्छे से देखिएगा कि हमें किसका वैल्यू दिया हुआ है। तो हम आप इस क्वेश्चन को हिंट्स कर देते हैं कि इन क्वेश्चंस को आपको करना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना चाहिए क्वेश्चंस में कि हमें क्या क्या क्वेश्चंस बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन में आप जब भी शुरुआत कीजिए तो ये लिखिएगा कि हमें दिया है भाई किसका किसका मान दिया है। तो पढ़िए सवाल क्या बोल रहा है, किसी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के कुंडली की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। तो आवृत्ति को हम लोग एफ से सूचित करते हैं, तो एफ बराबर हो गया 50 हर्ट्ज। फिर क्या बोला, 50 हर्ट्ज है तो किसी समय 1/300 सेकेंड पर, यानी कि समय को टी से सूचित करते हैं, कितना समय दिया तो 1/300 सेकेंड पर धारा का जो तत्कालिक मान है, तो तत्कालिक मान को तो सिर्फ आई से सूचित करते हैं, अब आई से सूचित करते हैं
तो आई का वैल्यू कितना दे दिया, तो 0. सॉरी कितना दिया है, 4.330 एम्पियर, यही दिया है ना। हाँ, तब हमें बोल रहा है कि आई एवरेज निकालिए, औसत मान निकालिए। तो सबसे पहला बात कि आई एवरेज यानी कि औसत मान कब निकलता है, जब शिखर मान पता होगा तभी ना। तो सबसे पहले आपको जो काम करना होगा डियर स्टूडेंट्स, आपको तत्कालिक मान और शिखर मान वाला जो फार्मूला है उसको लगाना पड़ेगा। यानी आप लिखिएगा चूंकि फार्मूला जानते हैं, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, सॉरी साइन टू पाई एफ टी, क्योंकि ये भी होता है 2πft होता है, ठीक है। तो I का तो वैल्यू दिया है 4.330, I नोट का वैल्यू I नोट छोड़ दीजिएगा, साइन के अंदर क्या लेना है तो 2πf, आवृत्ति कितना है 50 इंटू t के जगह पे कितना रखिएगा 1/300। तो सबका वैल्यू दिया है, इससे आप पहले I नोट निकालिएगा और जितना आई नोट निकालेंगे उसके बाद आई एवरेज निकालेंगे, क्योंकि आई एवरेज का फॉर्मूला कितना होता है तो 0.637 इंटू आई नोट। तो जितना आई नोट का वैल्यू आएगा उसको इतना से मल्टीपल कर देंगे। तो ये क्वेश्चंस को आपको हिंट्स के तौर पे हम बता दिए हैं, और खुद से आप इन क्वेश्चंस को सही आंसर तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। तब तक आज क्लास को यहीं तक एंड करते हैं। जब अगली क्लास होगी तो हम लोग एक और मान बचा है जिसको वर्ग माध्य मूल मान कहा जाता है, और फिर हम लोग अगले दिन उसको पढ़ेंगे, प्रूफ करेंगे, न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।